अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ज़ारा अली और मैं हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे अपनी स्किन की क्लिंजिंग के बारे में, जो हम रेगुलर क्लीन अप मैं आपको सिखाऊंगी। और मुझे किसी ने कमेंट में भी कहा था कि वो ब्राइडल के लिए जो क्लियरनेस है स्किन के लिए, रेडियंट स्किन के लिए बताऊँ कि कैसे होगी और ग्लोइंग स्किन कैसे होगी, तो मैं उनके लिए बता रही हूँ और एक्ने प्रोन स्किन के लिए भी बता रही हूँ और ड्राई स्किन के लिए भी। तो मैं सबसे पहले हमने अपने फेस को जो है वो किसी अच्छे से फेस वॉश से धोना है अपने। ये आप पॉन्ड्स का है, हिमालय का है। अगर एक्ने प्रोन स्किन है तो आप एलोवेरा वाला यूज़ कर सकती हैं। पहले फेस वॉश से अपने मुंह धोना है, उसके बाद अपने क्लिंजिंग करनी है फेस की अच्छी तरह। अब ये क्लिंजिंग जो है, ये क्लिंजिंग ये निवास का क्लिंजर है वाइटिंग, और ये होममेड क्लिंजर है जो मैंने आपको सिखाया हुआ है। आप दोनों में से कोई सा भी क्लिंजर जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, ये आपको स्किन पे एक्ने नहीं लेके आएगा। क्लिंजिंग करने के बाद आपने अगर तो आप रोज़ बेस पे करना चाहते हैं, डेली क्लिंजिंग करना चाहते हैं, तो उसके बाद आपने टोनर यूज़ करना है। और अगर आप पूरा क्लीन अप करना चाहते हैं तो आपने हफ्ते में 3 से 4 मरतबा जो है वो स्क्रब यूज़ करना है क्लिंजिंग के बाद। ये मेरे पास स्क्रब है और मेरे पास ये रिवाज का भी स्क्रब है, एप्रीकोट। दोनों में से आप कोई भी स्क्रब यूज़ कर सकते हैं। स्क्रब करने के बाद आपने फेस को अच्छी तरह जो है स्क्रबिंग करनी है, नोज़ एरिया पे, चिन एरिया पे, जहाँ आपको ब्लैक हेड्स हैं या व्हाइट हेड्स हैं वहाँ पे आपने अच्छी तरह इसकी जो है स्क्रब करना है अपने अपने फेस पे। और स्क्रब करने के बाद आपने मास्क यूज़ करना है, जो आपने कम से कम 15 मिनट जो है वो फेस पे छोड़ना है। अब ये 2 मास्क हैं, जिनके फेस पे जो है ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा हैं या हेयर्स हैं उनके फेस पे, तो ये एलिवाज का यूज़ कर सकते हैं। ये इसका रिज़ल्ट बहुत बेस्ट है, ये आपके जो फेशियल हेयर हैं उनको भी साथ जो है वो निकाल देता है। और अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो आप ये लॉरियल लॉफ्टी का है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं या कोई भी अच्छा सा यूज़ कर सकते हैं। और ये सब प्रोसीजर करने के बाद आपने जो है वो फेस पे टोनिंग करनी है। ये जो है ओरिफ्लेम का टोनर है, ये एलोवेरा वाला है। आप चाहें तो जो मैंने होममेड सिखाया है आप उससे भी टोनिंग जो है टोनर कर टोनिंग कर सकते हैं फेस की। और उसके बाद जैसे ही मौसम थोड़ा सा जो है वो धूप निकली हो या ज़्यादा सूरज वगैरह हो, तो आपने सन पे फेस पे अपना सन ब्लॉक ज़रूर अप्लाई करना है। और ये रिवाज का इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, तो आप ये अब आपका डेली रूटीन है। अगर एज अ ब्राइड या आप डेली जो है चाहते हैं कि आपका फेस रेगुलर आप क्लीन अप करें और आपके फेस पे ग्लो आए, तो आप जब इसको रेगुलर करना शुरू करेंगे 1 मंथ से 2 मंथ के अंदर आपको आपका फेस जो है वो बहुत हद तक क्लीन जो है वो लगने लग जाएगा। तो सो व्यूअर्स, मैंने आपको ये रूटीन बताई है, तो आप इस रूटीन को ज़रूर ट्राई करें। और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब आप इसको ट्राई करेंगे आपको इंशाल्लाह ताला रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, आपका स्किन पे जो मार्क्स वगैरह हैं, एक्ने वगैरह हैं, वो भी इससे कम होंगे। तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे पेज को लाइक करें और मुझे मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।